हेलो दोस्तों, ब्लेंडर की ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइट को सेट करना सीखेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से और इजीएस्ट वे से। तो चलो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास दो कैरेक्टर हैं और इन सभी कैरेक्टर के ऊपर मैंने क्या किया है, परफेक्ट तरीके से लाइट को सेट करके रखा है। और दोस्तों, इस समय हम लोग कहाँ पे हैं, रेंडर व्यूपोर्ट में हैं और हमारा जो कैरेक्टर है वो परफेक्ट तरीके से विजुअल हो रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन सभी लाइट को पहले तो डिलीट कर दूंगा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने लाइट को परफेक्ट तरीके से सेट करके बताऊँगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा और क्या करूँगा दोस्तों, डिलीट कर दूंगा। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो जैसे ही मैंने सभी लाइट को डिलीट किया, यहां पर एकदम डार्क हो गया। मेरे कैरेक्टर हैं वो परफेक्ट तरीके से विजुअल नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो इन सबको हम परफेक्ट तरीके से विजुअल करेंगे लाइट को सेट करके, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, वन प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोपेटिक पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, शिफ्ट एस प्रेस करना है और कर्सर टू वर्ल्ड वर्जन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो कर्सर है वो वर्ल्ड वर्जन पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एड में जाना है, लाइट में जाना है और एक सन को चूज कर लेना है, ठीक है? सन को चूज करके दोस्तों ड्रैग करके आपको यहाँ पर ला देना है और जो इसका स्ट्रेंथ है ना वो कर देना है 3, ठीक है? 3 करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है। ओके, हमने इतना रोटेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको शिफ्ट डी दबाना है, डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर ला कर रखना है और इसको भी क्या करना है, रोटेट करना है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? दोस्तों आपको यहां पर आ जाना है शेडो, इसके ऊपर क्या करना है, अनचेक कर देना है। यहां पर आ जाना है शेडो के ऊपर क्या करना है दोस्तों, अनचेक कर देना है। ओके, अभी दोस्तों हमें क्या करना है, 3 प्रेस करके आ जाना है राइट ऑर्थोपेटिक पर। सेम थिंग दोस्तों, इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर लाना है, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। ओके, इसको हम पहले तो रोटेट कर देते हैं ऐसे, फिर दोस्तों हम उसको यहाँ पर सेट करेंगे। सेम थिंग दोस्तों वापस करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और पीछे ले जाएंगे, इसको रोटेट करेंगे और यहाँ पर ला देंगे, इसको थोड़ा दूर कर देंगे, इसको भी हम थोड़ा दूर कर देंगे। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे से विजुअल होने लग गए हैं, सिर्फ हमने कुछ सेटिंग की है लाइट की एकदम इजीएस्ट वे से, ठीक है? अभी दोस्तों आप इसको और परफेक्ट कर सकते हैं। वो क्या करना है, आपको वन प्रेस करके पहले तो फ्रंट ऑर्थोपेटिक पर आ जाना है, उसके बाद दोस्तों वापस से आपको एड में जाना है, लाइट में जाना है और इस बार दोस्तों आपको स्पॉट को चूज करना है, ठीक है? यहाँ हमने स्पॉट लाइट ले ली है, अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लाएंगे और इसको दोस्तों ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है? ओके डन। दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है पावर में, इसको कर देना है 1500, डन दोस्तों। ओके, इसको दोस्तों हम इसके जस्ट सामने कर देते हैं। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर आ जाना है और इसको रोटेट करके ये वाले कैरेक्टर के सामने कर देना है। ओके, अभी हम दोस्तों वन प्रेस करके आ जाएंगे फ्रंट ऑर्थोपेडिक पर और यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे। ओके दोस्तों, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर हैं बहुत ही अच्छे से और परफेक्ट तरीके से विजुअल हो रहे हैं। और दोस्तों मैंने आपको ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं सिखाया, एकदम इजीएस्ट वे से लाइट को सेट करना सिखाया। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो हमारा कैरेक्टर है ना वो रेंडर करने के बाद पीला पीला दिखने लगता है, मतलब परफेक्ट शो नहीं होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपके कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा मेटेलिक में प्लस माइनस करना है और रफनेस में प्लस माइनस करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो कैरेक्टर है वो पीला नहीं दिखेगा, येलो नहीं दिखाई देगा और अच्छे से विजुअल होने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, मैंने आपको एकदम इजीएस्ट वे से लाइट को सेट करना सिखाया है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।